उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को ऐसा धो डाला कि बीजेपी के नेताओं का हलक सूख गया। महिलाओं के नाम पर बीजेपी नेताओं की एक एक पोल खोलने लगे उद्धव ठाकरे। बीजेपी के नेताओं की खुली पोल तो मच गया हड़कंप। रामनवमी का मौका था, मंच सजा हुआ था। शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ मुंबई की जनता उद्धव ठाकरे को सुनने आई थी, और जब उद्धव ठाकरे ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी के बड्डे से लेकर छोटे नेताओं के माथे से पसीना टपकना शुरू हो गया। फर्जी राष्ट्रवाद से लेकर महिला के सम्मान के जुमलेबाजी की एक एक परत उद्धव ठाकरे ने खोल कर रख दी थी। अपने पुराने साथी के इस तेवर को देखकर बीजेपी के नेता मुंह छिपाते फिर रहे थे। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, बीजेपी के नेताओं की कुंडली खुल रही थी कि राम का नाम जपने वाले कैसे रावणों की प्रवृत्ति के निकले हैं। महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने से लेकर बलात्कारियों के समर्थन में कैसे बीजेपी के नेता खड़े नजर आते हैं। बाप मंत्री, कार्ट खासदार, कोणाचा आमदार, पुन्हा डोळे लावून बसले नातू नगरसेवक, अरे त्याला मोठा तो होऊ दे, शाळेत तर जाऊ रे, आत्ताच नगरसेवक। तुम्ही ज्या महिला शक्तीचा उल्लेख केलात, दोन घटनांबद्दल मी प्रश्न विचारणार आहे आणि तुमच्या मनात तुम्ही काय प्रश्न उसळतात ते तुम्ही मला सांगा। महिला शक्तीचा आदर ठेवताना उत्तराखंडमध्ये पौडी नावाच्या एका जिल्ह्यात अंकिता भंडारी नावाची एक 19 वर्षाची कवळी पोर, तिचा खून झाला। माहिती तुम्हाला बातमी ऐकली, बातमी वाचता की नाही वाचत? त्या बातमीमध्ये लिहिलेलं असं आहे की एका रिसॉर्टमध्ये तिचा रिसॉर्टच्या बाजूला तिचा मृतदेह आढळला आणि ते रिसॉर्ट भारतीय जनता पक्षाच्या तिथल्या स्थानिक नेत्याचं आहे। हा महिला शक्तीचा आदर। बरं, का खून झाला? तर तो जो हॉटेल मालक होता तो त्या अंकिताला तिथे येणाऱ्या जाणाऱ्यांबरोबर काही म्हणजे काही रिसॉर्टमध्ये त्याला चालवायचं होतं ते चालू म्हणून सांगत होता, तिने नकार दिला, झाला तिचा खून। कुठे महिला शक्तीचा आदर? आज त्या अंकिताची आई टाओ फोडते, आक्रोश करते की माझ्या मुलीचे जे हत्यारे आहेत त्यांना फाशी द्या, आणि फाशी देता येणार नसेल तर आमच्या घरासमोर त्यांना जिवंत जाळा। हा सुद्धा त्या मातेचा म्हणजे महिला शक्तीचाच आक्रोश आहे। काय कारवाई केली? पकडणार आहात त्यांना, शिक्षा देणार आहात, फासावर लटकवणार आहात। आणि अंकिता भंडारे ही जशी एक महिला, आणि मोहनजी तुम्ही मशिदीत जाऊन संवाद करून आलात म्हणून मी हे बोलतोय, नाहीतर बोललो नसतो। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भड़क गए उद्धव ठाकरे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी की हत्या के मामले ने पहले ही बीजेपी के नेताओं की पोल खोलकर रख दी कि कैसे अवैध तौर पर बीजेपी नेता ने सुनसान इलाके में एक रिजॉर्ट खोल दिया और फिर वहां पर जिस्म फरोशी का धंधा पार्टी के आशीर्वाद से चला रहा था, और अंकिता भंडारी से भी गलत काम कराने का दबाव बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्य बना रहा था, और जब अंकिता ने मना किया तो बीजेपी नेता की बिगड़ाई औलाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी। फजीहत हुई तो बीजेपी के नेताओं ने पुलकित आर्य के बाप को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें साफ पता चला कि जो रिजॉर्ट अवैध तौर पर खड़ा किया गया था उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौज करने के लिए आते थे। उनके और उनकी पार्टी के संस्कार वीडियो के जरिए सबने देखे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए थे कि कैसे न सिर्फ एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या से जुड़े सबूतों को मिटाने के लिए धामी सरकार ने सारी हदों को पार करते हुए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया था। बिल्किस बानो प्रकरण पर गरजे उद्धव ठाकरे तो बीजेपी में पसर गई खामोशी। बारी थी महिलाओं के सम्मान का गीत गाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके राज्य गुजरात की रहने वाली महिला बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। वैसे तो पीएम मोदी बात बात पर महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, 3 तलाक को खत्म करने के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का जिक्र करते हैं, लेकिन देश की आजादी के उत्सव पर जब बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को रिहा करने का आदेश आया तो मन की बात करने वालों की बातें मन में ही दबी रह गए। ये आरोपियों में हिंदू युवक शामिल थे जिन्होंने एक मुस्लिम महिला की इज्जत को तार-तार कर दिया था। इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए। दूसरी एक बात भी वाचली थी, बिल्किस बानो, माहिती तुम्हाला? बिल्किस बानो त्या दंगली मध्ये गर्भवती होती,
तिच्यावरती बलात्कार झाला, तिच्या डोळ्यासमोर तिच्या 3-3.5 वर्षाच्या मुलीचा आपटून खून करण्यात आला, आजूबाजूच्या सगळ्यांवरती सपासप वार करून निर्गुण हत्या करण्यात आली, आरोपी पकडले, गुन्हे साबित झाले, शिक्षा भोगत होते, गुजरात सरकारने त्यांना सोडून दिलं. एवढंच नाही तर गावी गेल्यानंतर त्या सगळ्या गुन्हेगारांचं सत्कार करून स्वागत करण्यात आलं. ह्या गोष्टी जर का आपल्या पक्षामध्ये घडत असतील, आपल्या अनुयायांकडनं घडत असतील, तर इतर लोक महिला शक्तीचा काय मान रखणार. ये सिर्फ दहाड भर नाही थी बल्कि बीजेपी के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को बड़े ही बेरहमी से उद्धव ठाकरे ने उघाड़ दिया था, जिसके बाद बीजेपी के संस्कारों का गीत गाने वाले नेताओं की फौज भाग खड़ी हुई थी. दूर दूर तक बीजेपी का धुरंधर प्रवक्ता कुछ बोलने को तैयार नहीं था. उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बीजेपी नेताओं की पोल खोली, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. स्पेशल डेस्क द कंटाप्ट.